जिला कुल्लू की कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता जहां पशु पेश में है, तो वहीं भाजपा नेताओं को मनाने में भी अब भाजपा संगठन जुट गया है। वहीं आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह को अब भाजपा हाईकमान ने शिमला बुलाया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से दोपहर के समय में महेश्वर सिंह शिमला के लिए रवाना हो गए। वहीं महेश्वर सिंह ने भी इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें शिमला में हाईकमान ने बैठक के लिए बुलाया है और केंद्रीय स्तर के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। इस बैठक में वह अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी मांगों को भी प्रमुखता से रखा जाएगा। ऐसे में भाजपा हाईकमान की ओर से उन्हें आश्वासन मिलता है, उसके बाद ही आगामी रणनीति तय की जाएगी। ऐसे में कुल्लू के विद्रोहों के स्वर को शांत करने में भाजपा संगठन जुट गया है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि इस विद्रोह को भाजपा हाईकमान कितना शांत कर पाता है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राम सिंह भी आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने के बाद गांव चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वहीं शिमला रवाना होने से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह ने हाथीथान में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी बैठक में साफ किया कि उनको हर हाल में चुनाव लड़ना होगा, वरना यह कार्यकर्ताओं का अपमान होगा। उधर आज महेश्वर सिंह के पक्ष में एक विशाल जनसभा हाथीथान में हुई। महेश्वर सिंह ने कहा कि आज मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बुलावा आया है और साथ में जो मंगल पांडे जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, पिछले चुनाव भी आपने उन्होंने देखा, जो कि बिहार से मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा है। और मैं इन लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए आज जा रहा हूं और जो वो निर्णय देंगे उसको भी सुनूंगा। अगर वो जनहित में होगा तो मैं लोगों के बीच में आकर फिर यहाँ इन लोगों को बताऊंगा और जब ये लोग मोहर लगाएंगे मैं उसी काम को करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़ना ना लड़ना कोई मैंने नहीं रखता, लेकिन मेरी जनता की एश्योरेंस कौन देगा, किस प्रकार से विकास होता है, इसीलिए मैंने केंद्रीय नेताओं की सुनना। प्रदेश वाले तो आज चुनाव में व्यस्त है, मुख्यमंत्री जी को अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनको भी कन्वे कर देंगे हम उस बात को। अगर उनको भी वो मंजूर होगी तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगेगा कि अच्छा फैसला होगा। मुख्यमंत्री जी की बात ऐसी है, वो चुनाव है, पीछे भी चुनाव में थे और पीछे भी कुछ कहा गया था, लेकिन उनकी खैर मजबूरी रही होगी, नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री जो मैंने काम बताए एक एक किए, उसके लिए मैं उनको ऋणी हूँ कामों के लिए। लेकिन जो मुझे जिनको बनाया उनको तो उन्होंने सिला दे दिया, तो अब वो खुद ही चुनाव में, तो उनसे क्या आश्वासन दूँ। तो इसलिए जो बोलेंगे हाईकमांड है, नड्डा जी हैं और फिर वो मंत्री जी हैं, जो बोलेंगे वो करवा के देंगे।